हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 10.2 सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 10.1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू कैन चेक इट बाय क्लिकिंग द आई बटन और इन द प्लेलिस्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट इज 25% ऑफ 135.5 kg। सो हाउ वी विल सॉल्व? First we will remove percentage. To remove percentage we will divide it by 100. ये हमें याद होना चाहिए कि जब भी परसेंटेज रिमूव करनी हो तो उसको हम डिवाइड करते हैं 100 से। So let's write 25 divided by 100. Of means multiply by 135.5. 25 ones are 25, 25 fours are 100. Now we will divide 135.5 by 4. 4 3 is a 12. 1 5. 4 3 is a 12. 3 5. 4 8 is a. Then 3 0. 7. kg. ये मैंने 2 decimal places तक किया है. ओके, देन बी पार्ट देखिए, 2 to 1 by 4। फर्स्ट वी विल चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 2 8 plus 1 9, 9 by 4। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो यहां मैं लिख देती हूँ इनटू 100 ऑफ मल्टीप्लाई 1000। देन 2 0 to 2 0 कैंसिल। 2 2 is 4, 2 5 is 10, 9 5 is divide by 2, divide करेंगे 2 2 is 4, 2 2 is 4, 1 by 2 या decimal में करना है तो 0.5 rupees। Then 2.5% of 2 hours 40 minutes, 2.5 divide by 100 into 2 hours 40 minute, इसको हम convert कर लेते हैं minutes में, okay? तो ये कैसे होगा? 2 into 60 plus 40, जब hours में given है, तो जब हम convert करेंगे इसको minute में, तो 60 से multiply करेंगे, 60 into 2, 120, 120 plus 40, डेसिमल इसका रिमूव किया पॉइंट का, तो ये यहाँ पे 10 आ जाएगा। 100 इंटू 10 इंटू 120 प्लस 40 160, 0 से 0 कैंसिल। 25 4 100 4 4 16, दैट इज इक्वल टू 4 मिनट्स। नेक्स्ट डी पार्ट, 150% of 3 to 2 by 5 liter। तो 150%, फर्स्ट वी विल रिमूव परसेंटेज, डिवाइड बाय 100 इंटू 5 3 15 प्लस 2 17 by 5, 0 to 0 कैंसिल। 5 3 5 2 17 into 3, 51 by 5 to the 10. Now we will put a decimal after one digit. 5.1 liter. This is your answer. और अगर इसको हम 3 places तक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे 5 और आएगा, 4 7 28, 2 remainder 2 0, 4 5 20। अब ये 5 और मोर देन 5 होता है तो ये वाली डिजिट हम इंक्रीज कर देते हैं, 33.88 kg। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वांटिटी को कंपेयर करना है सेकंड से और उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो कंपेयर जब भी आप करोगे तो सेम आपके पास
यूनिट होनी चाहिए, अब इसमें तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट करेंगे 2.5 डिवाइड बाय 50, सेकंड के साथ करना है तो डिवाइड बाय 50 इनटू 100, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। अभी इसमें देखिए 50, 1 जा 50, 2 जा 25, 2 जा 50, एंड वी हैव टू पुट अ डेसिमल आफ्टर वन डिजिट, सो दैट इज 5%। इन बी पार्ट वी हैव मिनट एंड आवर्स, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट बोथ इन सेम यूनिट। अब ये 45 मिनट है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 आवर्स विल बी इक्वल टू 2 × 60, 120 मिनट्स। ओके, 45 डिवाइड बाय 120 × 100, 0 to 0 कैंसिल, 2 6 जा 2 5 जा, 45 × 5 करेंगे 225 डिवाइड बाय 6, डिवाइड करना है अब हमें ये, 6 3 जा 18, 4 5 45 आ गया, 6 7 जा 42, 3 रिमाइंडर, 6 5 जा 30%। देन सी पार्ट, 5 to 1/4 केजी एंड 25 केजी, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट मिक्सड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5 4 जा 20 + 1 21/4 डिवाइड बाय 25 इंटू, यहां कर लेंगे इंटू 100, 25 4 जा 100, 4 to 4 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 21%। 90 पैसे एंड रुपीज 15 कैसे होगा, दैट विल बी इक्वल टू, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए, 15 × 1 rupees इक्वल टू 100 पैसे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1500 पैसे। नाउ वी विल कंपेयर 90 डिवाइड बाय 1500 × 100, 0 to 0 ये कैंसिल हो गया, 15 6 जा 90, 6%। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी किया था, राइट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट यूनिट इन रिलेशन टू द सेकेंड। हमने फर्स्ट यूनिट को सेकेंड के साथ कंपेयर करके परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 96 पैसे इज ₹12, 96 पैसे इज ₹12, पहले 12 को हम चेंज कर लेते हैं, 12 rupees इक्वल टू 12 × 100, दैट इज इक्वल टू 1200 पैसे। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, 96 डिवाइड बाय 1200 × 100, परसेंटेज में हमें फाइंड आउट करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100, 0 to 0 कैंसिल, 12 8 जा 96, 8%। देन बी पार्ट, 1.5 मीटर इज 750 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये इधर मीटर है, सो वी विल कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, द यूनिट विच इज लार्जर दैट इज चेंज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट, सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर विल बी इक्वल टू 1.5 × 100, दैट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कंपेयर 150 डिवाइड बाय 750 × 100, 0 to 0, 15 5 जा 75, 5 2 जा 10 0, दैट इज इक्वल टू 20%। नाउ सी पार्ट, 20 ग्राम इज 1 to 1/4 kg, ये केजी में गिवन है, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट 1 to 1/4 kg into ग्राम,
हम पहले कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 × 4, 4 + 1, 5/4 kg विल बी इक्वल टू, अब यहां कर लेते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 5/4 × 1000, 4 × 1 = 425 = 100, देन आफ्टर 0 25 × 5 = 125, आफ्टर दैट 10 ग्राम. नाउ वी विल कंपेयर 20 / 125, आफ्टर दैट 10 × 100, 0 to 0 कैंसिल, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100. नाउ वी विल गेट 4 × 2 = 8/5, दैट इज इक्वल टू 5 × 5.56 = 30, 1.6%. Now 2 days is 30 hours, so we will convert days into hours. 1 day equal to 24 hours, and 2 days will be equal to 24 × 2, that is equal to 48 hours. Okay, now we will compare 48 / 30 × 100. 0 to 0 cancel. 3 से कैंसिल करते हैं, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, दैट इज इक्वल टू 160%. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंट ऑफ 550 मीटर्स इज 225 मीटर्स. आपको बताना है कि 550 का कितना परसेंट 225 है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 550 मीटर्स इज इक्वल टू 100%. टोटल हम कितना लेके चलते हैं, 100 ही तो लेके चलते हैं, सो टोटल कितना हो गया 100%. 1 मीटर का कितना होगा, 100 / कम होगा, और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 550, देन ये भी परसेंट में होगा, एंड 225 मीटर इक्वल टू 100 / 550 × 225. अब इसको हम करते हैं सोल्व, 0 to 0 कैंसिल, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 1 =, देन मल्टीप्लाई करेंगे 450 / 11, 11 × 4 = 44, 1 = 0 नहीं जाएगा, 0 point, देन 111 × 9 = 99, 0.9%. अगर इसको आपको 2 digit में चाहिए तो 40.9 > 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 91%. ये किसमें है, अप्रोक्स में हमने किया है, एस्टिमेट वाला जो हम करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. कैसे, दूसरा तरीका और ये ऐसे भी होता है कि एक्स परसेंट ऑफ 550 मीटर्स इज इक्वल टू कितना है 225. अब इसमें करना आपको वैसे ही पड़ेगा, पहले हम परसेंटेज रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, 550, 0 to 0 कैंसिल. अब देखिए यहां पे क्या आया, 5 × 2 = 5, 1 =, देन 11/2 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 डिनोमिनेटर में एंड 2 न्यूमरेटर में, तो ये आपके पास देखिए वही कंडीशन आ गई, 225 × 2 / 11, ये आपके पास यही आया था, 2 × 225 / 11, ठीक है, तो आंसर दोनों से सेम आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन अ प्लेन 90% ऑफ द सीट्स आर फील्ड, 30 सीट्स आर एम्प्टी, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स ऑन द प्लेन. क्वेश्चन है कि प्लेन के अंदर 90% सीट्स फिल है, ओके, और 30 सीट्स एम्प्टी है. थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है,
और यहाँ पे नंबर में गिवन है, तो हम क्या करते हैं पहले जो एम्प्टी सीट है परसेंटेज में वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और आपको टोटल सीट्स बतानी है प्लेन में। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज सीट्स फील्ड इक्वल टू 90% एंड परसेंटेज सीट्स एम्प्टी, एम्प्टी कितनी होगी फिर टोटल, हम 100% लेके चलते हैं, 100 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 10%। अब ध्यान से देखिए, अब आपको समझ आएगा, 10% ऑफ सीट्स इज इक्वल टू जो एम्प्टी सीट है, ये क्या है परसेंटेज में, 10% सीट आर एम्प्टी एंड दैट इज इक्वल टू 30, जो 10% सीट है वो कितनी है, 30 सीट्स है ना, वो हमें गिवन है, तो दैट इज इक्वल टू 30। 1% ऑफ सीट इक्वल टू 30/10, देन 100% सीट्स, टोटल हम 100 लेके चलते हैं, तो क्योंकि हमने 100 यहां पे क्यों लिया है, क्योंकि टोटल क्या होता है हमारे पास, टोटल परसेंटेज अगर हम लेते हैं तो आउट ऑफ 100 पास सेंट मतलब क्या होता है पर 100, तो 100 यहां पे हमने लिया क्योंकि टोटल आपको फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू 30/10 इंटू 100, 0 to 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 300 सीट्स, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 15.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन यूपी, द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 20.2 crores, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इफ 3.6% ऑफ द इंडियंस लिव इन हिमाचल प्रदेश, हाउ मैनी पीपल एक्चुअली लिव इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन में एक परसेंट में गिवन है, एक नंबर में गिवन है, ठीक है, इधर भी देखिए ये परसेंट में गिवन है, आपको नंबर में फाइंड आउट करना है, तो जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हम राइट हैंड साइड में पुट करते हैं यूनिटरी मेथड से। 15.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 20.2 करोर, ठीक है, जो यूपी में परसेंट में लोग रह रहे हैं वो कितने हैं, 15.5%, और जो यूपी में पॉपुलेशन है नंबर्स में है ना ये, तो वो 20.2 करोर्स है। तो यहां से हम क्या नोट करेंगे, हमें नंबर में फाइंड आउट करनी है इंडिया की पॉपुलेशन, सो वी विल राइट 15.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इक्वल टू 20.2 करोर्स, ये समझ आया। हमने इसको क्यों लिया राइट हैंड साइड में, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, परसेंट नहीं फाइंड आउट करना, सो हमने इसको राइट हैंड साइड में लिया। अब 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं, और टोटल पॉपुलेशन 20.2 डिवाइड बाय 15.5। अब किस में फाइंड आउट करना है, हमें टोटल परसेंट कितनी होती है, टोटल 100% होती है, तो 100% इंडियाज पॉपुलेशन कितनी होगी, 20.2 डिवाइड बाय 15.5 इंटू 100, ये समझ आया। अब इसमें हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे जब न्यूमरेटर की, तो ये डिवाइड में जाएगा 10, और जब डिनोमिनेटर की करेंगे तो न्यूमरेटर में 10 जाएगा इंटू 100। अब ये 10 से 10 कैंसिल। अब आप याद रखिए कि जब भी सेम प्लेसेस के बाद डेसिमल हो तो डेसिमल एज इट इज रिमूव कर देते हैं हम, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसको कैंसिल करते हैं हम, 5 3 15, 5 1 5 2 10, 0, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 31, दैट विल बी इक्वल टू 130.322 करोर्स। ओके, अगर एस्टिमेट करते हैं तो ये 2 है, लेस देन 5 है, ये एज इट इज रहेगा 130.32 करोर्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट को यहीं कंटिन्यूटी में कर लेते हैं हम, टोटल 100% कितनी है, 130.32, और हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 3.6%,
आपको नंबर में फाइंड आउट करना है तो स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी। यहाँ पे 100 किया था हमने, अब 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। 1% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दैट विल बी इक्वल टू 130.32 डिवाइड बाय 100। ओके, आपको कितने के लिए फाइंड आउट करना है? 3.6 के लिए। तो 3.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दैट विल बी इक्वल टू, अब इसको करते हैं 130.32 डिवाइड बाय 100 इंटू 3.6, इसको मल्टीप्लाई करके और आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के पास बाद हमारे पास ये आया, अब इसमें डेसिमल पुट करनी है आपको आफ्टर 1 2 डिजिट। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे नोट कर रही हूं मैं 4.69152। अगर इसको आप अप्रोक्स में लोगे तो हमें ये यहां तक लेना है, दैट इज इक्वल टू 4.69 करोड़। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अ कॉलेज हैज 1500 स्टूडेंट्स, 12% ऑफ देम कम बाय बस, अनदर 25% वॉक टू द कॉलेज। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट ट्रेवल टू स्कूल बाय इधर। क्वेश्चन है कि टोटल 1500 स्टूडेंट्स है, बस से आने वाले 12% है और बाय वॉक से आने वाले 25% है। आपको बताना है कि जो दोनों से नहीं आते वो कितने चिल्ड्रन है। तो पहले तो हम परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे कि कितने इतने कितने परसेंट है जो बच्चे कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर वॉकिंग से नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं परसेंटेज स्टूडेंट्स कमिंग बाय बस इक्वल टू 12%, परसेंटेज स्टूडेंट्स कमिंग बाय वॉक इक्वल टू 25, परसेंटेज स्टूडेंट्स कमिंग बाय नॉट कमिंग, यहां पे नॉट कमिंग बाय इधर दैट विल बी इक्वल टू 100 टोटल हमारे पास होता है माइनस इन दोनों को ऐड करके फिर कर देंगे हम क्वेश्चन को। 100 माइनस 37 दैट इज इक्वल टू 63%। 63% ऐसे हैं जो कोई भी ना तो वॉकिंग यूज कर रहा है ना बस यूज कर रहा है। अब आपको बताना कि ये 63% नंबर में कितने हैं। ठीक है, ये तो परसेंटेज में है, आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर में कितने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, परसेंटेज नहीं पूछा आपसे, आपको नंबर में बताना है। तो करेंगे हम 63% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल टू 63% रिमूव करेंगे बाय 100 इंटू टोटल कितने हैं 1500, दैट विल बी इक्वल टू, इनको माइनस इनको हम सॉरी इसको हम कैंसिल करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 945 स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।